आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले एक टर्म बड़ी चर्चा में है और वह है आरटीएम यानी राइट टू मैच कार्ड। इसका मतलब क्या है और ऑक्शन में इसका इस्तेमाल कैसे होता है वह आप इस वीडियो में आसान भाषा में जान जाएंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं विक्की क्रिकी और मैं हूं विकास गौड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले एक टर्म हमेशा सामने आती रही है वह है आरटीएम यानी राइट टू मैच कार्ड। इसका इस्तेमाल तभी होता है जब आईपीएल की ओर से इसको इजाजत मिले, अन्यथा इसका इस्तेमाल ऑक्शन में नहीं हो सकता। आसान भाषा में अगर इसे समझें तो एग्जांपल इसका यह है कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले एक खिलाड़ी को रिटेन करने की अनुमति मिलती है और 8 खिलाड़ियों को आरटीएम यानी राइट टू मैच कार्ड के जरिए खरीदने की अनुमति मिलती है। तो आप ऑक्शन में इसको इस तरह से देख सकते हैं कि मान लीजिए मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को रिटेन कर लिया है तो वे अपने 8 खिलाड़ियों को आरटीएम के जरिए ऑक्शन से खरीद सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ऑक्शन चल रहा है, जसप्रीत बुमराह पर बोली लग रही है, मुंबई चाहे बोली लगा रही हो या ना लगा रही हो लेकिन बाद में उनसे पूछा जाएगा कि क्या वे बुमराह को खरीदने वाले हैं या नहीं। मान लीजिए कि दिल्ली और आरसीबी के बीच बुमराह को लेकर बोली लग रही है, बोली 25 करोड़ रुपए पर जाकर रुक जाती है, आरसीबी आखिरी बोली लगाती है लेकिन आरसीबी को बुमराह तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि ऑक्शनियर मुंबई इंडियंस से अनुमति नहीं ले लेता। आरसीबी ने आखिरी बोली लगाई 25 करोड़ की तो ऑक्शनियर मुंबई से पूछेगा कि क्या आपको बुमराह चाहिए, अगर मुंबई हाँ करती है तो बुमराह मुंबई जा सकते हैं और ना करती है तो 25 करोड़ में बुमराह आरसीबी को मिल सकते हैं। कायदे से देखा जाए तो आरटीएम कार्ड खिलाड़ियों के लिए सही है क्योंकि आमतौर पर होता यह है कि जैसे 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति दी जाती है तो पहले खिलाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा 16 करोड़ रुपये दिए जा सकते हैं लेकिन दूसरे खिलाड़ी को 12 करोड़ ही मिलते हैं और तीसरे रिटेन किए खिलाड़ी को 4 से 6 करोड़ रुपये तक ही मिल पाते हैं, चौथे खिलाड़ी को और भी कम रकम मिलती है। लेकिन वही टीम अगर एक खिलाड़ी को रिटेन करती है और बाकी खिलाड़ियों को आरटीएम से पिक करती है तो उनको मोटी रकम चुकानी पड़ सकती है क्योंकि बाकी टीमें भी उन खिलाड़ियों को खरीदने के लिए बोली लगाती हैं। कुछ तो इसलिए भी बोली लगाती हैं क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा रकम में बिके और सामने वाली टीम का पर्स खराब हो ताकि वह अन्य किसी खिलाड़ी पर मोटी बोली ना लगा सके। हालांकि इसमें फ़ायदा खिलाड़ी का होता है लेकिन आरटीएम का एक ड्रॉबैक ये है कि जिस खिलाड़ी को फ्रेंचाइजी रिटेन करेगी उसको थोड़ी इनसिक्योरिटी जरूर होगी। उदाहरण एमआई का ही ले लेते हैं, अगर मुंबई ने हार्दिक पांड्या को इस सीजन के लिए 16 करोड़ रुपए में रिटेन किया है और वह जसप्रीत बुमराह को 25 करोड़ रुपए और सूर्य कुमार यादव को 20 करोड़ रुपए में खरीदती है तो निश्चित तौर पर हार्दिक पांड्या को थोड़ी सी चुभन हो सकती है। भले ही ये सामने ना आए लेकिन अंदर ही अंदर क्या होता है ये हर कोई जान सकता है। हालांकि आरटीएम का एक फायदा ये है कि टीमें अपने उन युवा खिलाड़ियों को फिर से अपने साथ जोड़ सकती हैं जिनको उन्होंने तलाश किया था या जिन पर उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों ये था आरटीएम का पूरा लेखा जोखा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आरटीएम का इस्तेमाल कैसे होता है। अगर आप इसे अच्छे से समझ गए हैं और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।